खुल जा सिम से और देख लो भैया सीएनजी। बाकी ये आपको खास चीज मिलती है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप सीएनजी वेरिएंट ले रहे हो तो आपको जो है दूसरा कोई क्लस्टर मिल जाएगा, एक बेसिक सा भाई फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कटिंग करी गई, आप यहाँ पे सीएनजी ये लिखा हुआ रहा है, पेट्रोल ये लिखा हुआ रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमंत कटारिया। भाई सामने आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये है ऑल न्यू एक्स्टर एसएक्स वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। और ये जो वेरिएंट है ना, पेट्रोल के अंदर तो भाई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, बट इसके अंदर आप भाई सीएनजी भी मिल जाती है और भाई सनरूफ तो इसके अंदर मिल जाती है, जिसकी भाई इंडियन मार्केट के अंदर बोलबाला है। आजकल बिना सनरूफ के अगर कोई गाड़ी लॉन्च हो जाती है ना, भाई इनकम्प्लीट है। खैर इस गाड़ी के अंदर तो आपको सीएनजी भी मिल जाती है और सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो भाई मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है उन लोगों के लिए भाई जिनको आफ्टर मार्केट कुछ नहीं कराना, सीएनजी चाहिए, सनरूफ चाहिए और सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। प्राइस की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की, तो भाई आपको जो एसएक्स सीएनजी वेरिएंट मिलता है 8,97,000 रुपीज़ का, और अगर आप इसका पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं वो आपको जो है 8 लाख रुपीज़ का मिलता है। 97,000 का आपको जो डिफरेंस मिल जाएगा, और ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ आपको जो एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। बाकी आप ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन नंबर दिया गया डीलरशिप का, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ फिलहाल सुमुंद्रा हुंडई मेरठ में, तो बेस्ट प्राइस के आप जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भाई कुछ लुक इस गाड़ी का ये है, हाल ही में लॉन्च हुई और आती है ना भाई इसने सेगमेंट में भाई आग लगा दी है, अच्छे खासे नंबर्स में ये बुक हो रही है गाड़ी। बाकी फ्रंट लुक की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के, तो भाई फ्रंट लुक इस गाड़ी कुछ ये देखा है, काफ़ी बोल्ड और मस्कुलर लुक मिल जाता है। कट एंड क्रीसेस भाई जैसे वरना पे मिलते हैं ना आपको, वैसे इस गाड़ी पे मिलते हैं। आप ये देख सकते हैं साइड में आप देखेंगे ना, तो भाई कट एंड क्रीसेस पीछे की साइड देखिए, जिसके से ऑल ओवर ना गाड़ी की रोड प्रेजेंस सड़क पे काफ़ी बढ़िया हो जाती है। एस शेप में आपको जो DRS दे रखी है, पीछे की साइड आपको इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पर आपको जो है पैनोरामिक फिनिशिंग दे रखी है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं। ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको दिए गए हैं ये आपको हेलोजन के अंदर दिए गए, कोई भी LED का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फॉग लैंप्स इस गाड़ी के अंदर नहीं आते, वो तो भाई अब जो है ख़त्म ही होते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई किसी गाड़ी के अंदर आपको जो फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। बट कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ फॉग लैंप्स ना यार गाड़ी के अंदर होने चाहिए। खैर इस चीज़ के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप बताना। यहाँ पे आपको जो पैरामेट्रिक डिज़ाइन दे रखा है जो कि हुंडई से कहते हैं, और काफ़ी अच्छा खासा लुक दे रखा है। ऊपर आपको मैट ब्लैक दिया गया एक्स्टर की बैजिंग स्पेसिंग के साथ में, और यहाँ पे आपको सैटिन सिल्वर के अंदर हुंडई का लोगो मिलता है। नीचे आपको स्किड प्लेट दे रखे हैं जो कि ये है, जिसकी वजह से ऑल ओवर इस गाड़ी का काफ़ी रफ और रगेड लुक आ रहा है। और ये आपको पेच दे रखे हैं, अब ये पेच ऐसे नहीं कि ये लगाए गए हैं, ये जो है डिज़ाइन दे रखा है, बट काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दे रखा है, जिसके से ऑल ओवर काफ़ी रफ और रगेड लुक आ रहा है इस गाड़ी के अंदर। और ये भी आपको मैट ब्लैक के अंदर यहाँ पे फिनिशिंग दे रखी है, ठीक है। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो भैया विड्थ मिलती है इसकी 1710 mm की, जिसकी वजह से आपको रियर सीट का कम्फर्ट काफ़ी बढ़िया मिलने वाला, अच्छा खासी आपको जो है कम्फर्टेबल सीट इसके अंदर मिल जाती है। और व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ वो आपको जो 2450 mm का मिल जाता है। तो भाई ये बात रही इस गाड़ी के डायमेंशंस की और फ्रंट लुक के बारे में, ठीक है। अब जो इस गाड़ी के साइड लुक पे आ जाते हैं, वह साइड लुक इस गाड़ी के कुछ ये दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जो है हाइपर स्टाइल रिम्स दे रखे हैं जो कि बिल्कुल आपको अलॉय वाला फील देंगे, और व्हील साइज इसका जो है अपना कांगिया 175/65 R15, तो 15 इंच के आपको जो है हाइपर स्टाइल रिम्स मिल जाते हैं जो कि कुछ ये रहने वाला, और ये प्लास्टिक का कवर है, ठीक है। तो अलॉय व्हील्स आपको जो है इस वेरियंट के अंदर नहीं मिलते। यहाँ पे आपको जो एक क्लैडिंग दे रखी है जो कि अगेन काफ़ी जो है बढ़िया लग रही है इसके अंदर। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ऑटो फोल्डर्स आपको मिरर्स मिल जाते हैं इसके अंदर, टर्न इंडिकेटर आपको यहीं मिल जाता है, ए पिलर आपको ब्लैकआउट, बी पिलर ब्लैकआउट और सी पिलर भी आपको जो यहाँ पे ब्लैकआउट दे रखा है। यहाँ भी आपको जो पैरामेट्रिक डिज़ाइन दिया गया है, क्वार्टर ग्लास मिल जाता है जिसकी वजह से आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक अंदर फील नहीं होगा। और ये जो डोर है ना काफ़ी बड़ा दिया गया है, और ये चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये आप देख रहे हैं क्रीसेस ये काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, ऐसी जो है भाई इन्होंने वरना में दे रखा है और ऐसी जो है इन्होंने भाई अपनी एक्स्ट्रा में दे रखा है, मतलब भेदभाव नहीं करा गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी जो है काफ़ी महंगी आती है, ये थोड़ा सा जो है कम सेगमेंट में कम प्राइस के अंदर आती है, तो भाई ऐसा भेदभाव नहीं कर रखा, पूरी मतलब डिज़ाइन लैंग्वेज बढ़िया करके दी है। नीचे की मैं बात करूँ तो भाई 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, और इसका सस्पेंशन भी ना CNG के हिसाब से ट्विक करा गया। अभी CNG पे भी आऊँगा, ऑल ओवर पूरी आपको गाड़ी दिखा दूँ फिर जो CNG पे भी आऊँगा, ठीक है। तो CNG के हिसाब से ना इसका सस्पेंशन ट्विक करा गया, तो ऐसा नहीं है कि भाई गाड़ी अब दबी दबी हो रही है, आपको पता भी नहीं लग रहा होगा कि भाई इसके अंदर CNG लग रही है, जब तक कि आपने ये आगे से टैग नहीं देखा होगा, ठीक है। रूफ रेस आपको मिल जाती है ग्लॉसी ब्लैक के अंदर,
और यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाती है, चार फिन एंटेना भी आपको मिल जाता है, 37 लीटर की आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, सीएनजी का नोजल भी आपको जो यहीं मिल जाता है जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो भाई सीएनजी का नोजल आपको जो यहीं मिल जाता है फ्यूल लीड के अंदर, 60 लीटर का आपको जो सीएनजी का टैंक मिलता है, कहीं ना कहीं आपको जो 12 किलो के आपको जो इसके अंदर सीएनजी का टैंक मिल जाएगा, और ये आपका जो है यहाँ से आप फ्यूल डलवा सकते हैं, 37 लीटर की आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बेसिक फेस टू के अंदर रेडी है वो क्या ही बताना। एस शेप में आपको जो है रियर टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो कि भाई जब ग्लो होते हैं ना काफ़ी बढ़िया लगते हैं, मैं आपको जो दिखा भी दूंगा। इंडिकेटर यहाँ रिवर्स लैंप आपको यहाँ एक्स्ट्रा की बैजिंग यहाँ पे दे रखी है, अगर इस स्पेसिंग के साथ में होती ना कहीं तो बढ़िया लगती। दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, स्किट प्लेट पीछे भी अवेलेबल है, डुअल टोन बम्पर मिल जाता है आपको जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं, और वही आपको पेच वाला डिज़ाइन दे रखा है जिसकी वजह से ऑल ओवर रफ लुक आ रहा है। एक माइक्रो एसी भी है तो भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ें होनी भी चाहिए इस गाड़ी के अंदर। बाकी रियर डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर आपको नहीं मिलता, सीएनजी की बैजिंग, हाई रूफ टॉप लैंप, यहाँ आपको जो है शार्किन एंटीना ग्लॉसी ब्लैक के अंदर, भाई ग्लॉसी ब्लैक ना इसके अंदर भर भर के दे रखा है। रूफ इस देखो भाई चाहे यहाँ देखो भर भर के मिल रहा है, और एक चीज़ और आपको भर भर के दे रखी है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, चाहे आप बेस वेरियंट लो चाहे आप टॉप वेरियंट लो। 6 लाख का शोरूम है इसके बेस वेरियंट का। रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है, आप कर लेते हैं खुलचा सिम से और देख लो भैया सीएनजी आपको 60 लीटर का आपको सीएनजी टैंक मिलता है, मतलब 12 किलो का आपको जो है मतलब उसकी केजी रहने वाली है अगर मैं आपको जो चीज़ में बताऊं। बाकी यहाँ स्पेस काफ़ी जो है ठीक ठाक मिल जाती है, आप जो है अपने 2 बैग तो रख सकते हो ऐसे लंबे करके, और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है इस गाड़ी के अंदर, 391 लीटर का आपको जो है पेट्रोल वेरियंट में मिलता है, बाकी सीएनजी वेरियंट में कुछ ये रहने वाला है उसका हिसाब किताब। पाशर टैप आपको मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया, तो आप यहाँ भी अपना सामान रख सकते हैं। ऊपर आपको ट्रिम दी गई जिसकी वजह से कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया बूट स्पेस इसमें कितना मिलने वाला, मतलब 1-2 बैग ना आप आराम से रख सकते हो उसके अंदर, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसे करते हैं बंद, और अब जो है इस गाड़ी के रियर डोर के बारे में बात करूँ। अब रियर डोर कुछ आपको ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर, आपको ऑल बैक ट्रिम मिलती है, यहाँ पर आपको जो पावर विंडो कंट्रोल, एलईडी बॉडी स्पेस, स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाती है, यहाँ पर आपको जो डार्क ग्रे दे रखा है, और यह अगर मैं बात करूँ तो भैया यहाँ पर लॉक अनलॉक का जो है यहाँ पर बटन दे रखा है डार्क ग्रे के अंदर मिल जाता है। ब्लैक ट्रिम मिलती है जिसकी वजह से यार थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको लग सकता है, अगर ये थोड़ा सा और दूसरे कलर के अंदर होता तो और निखर के जो इसका इंटीरियर आ सकता था। बाकी भाई यहाँ पर आपको जो दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी आपको मिल जाती है बीच वाले पैसेंजर के लिए, आइसोफिक्स 4 सीट भी आपको जो मिल जाती है जो कि यहाँ पर ये रहने वाली है जो कि आप देख सकते हैं। बाकी मैं कह रहा था ना कि इस गाड़ी का जो व्हील बेस काफ़ी अच्छा मिलता है और विड्थ अच्छी मिलती है, तो आपको जो कम्फर्ट आपको अच्छा खासा मिल जाता है, लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, थाई सपोर्ट वो भी काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है, हेडरूम तो भाई क्या कहने हैं बेस्ट इन सेगमेंट है इसके अंदर, और बैक सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, मतलब मैं बिल्कुल कंफर्टेबली इसमें बैठा हुआ हूँ। बाकी 12 वाट का आउटपुट, यहाँ पे आपको जो है एसी वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं, ये हम जो है ऑलमोस्ट लो ही मिलता है, तो भाई ठीक ठाक जो है बीच वाले पैसेंजर की भी राइड कंफर्टेबल हो सकती है। बाकी यहाँ पे आपको जो है गैप हैंडल तीनों साइड मिलते हैं, ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलता, यहाँ पे आपको जो लैंप दिया गया है जो कि ये सेपरेट आपको जो है रियर सीट के लिए मिल रहा है जो कि काफ़ी यूज़फुल फीचर है, कहीं ना कहीं यार ये रात में ना बहुत बेनिफिट करता है आपको, जो अपनी फ़ोन की टॉर्च नहीं जलानी पड़ेगी, कहने का मतलब ये है। बाकी यहाँ पे आपको जो फैब्रिक प्लस लेदरेट सीट्स मिल जाती हैं, 6 एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर आते हैं, ठीक है स्टैंडर्ड जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था। एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट सीट पर आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। अब जिस गाड़ी के फ्रंट डोर के बारे में बात करते हैं, उससे पहले भाई की के बारे में बता देता हूँ, आपको जो है की ये मिलती है जिसमें लॉक अनलॉक बूट ओपन का बटन दे रखा है, दूसरी आपको जो है ये बेसिक की मिलती है, और ये फ्लिप की है, कोई भी क्लियर एंट्री का ऑप्शन नहीं है, तो भाई ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउनग्रेड हो जाता है, बट कोई बात नहीं भाई इतना तो हम सहन कर लेंगे। इसे खोलते हैं और यहाँ आते हैं, यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रिकल एडजस्टर फोल्डर्स मैनेज मिल जाए, 4 पावर कंट्रोल, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन रहने वाली है, यहाँ पर आपको डार्क ग्रे, लॉक अनलॉक, क्लियर बॉडी स्पेस, स्पीकर ग्रिल, 4 स्पीकर आपको जो मिल जाते हैं इसके अंदर। हेड एडजस्टेबल सीट आपको दी गई और सीट काफ़ी बड़ी दी गई है, आप ये देख रहे हो, तो भैया अंदर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, तो लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप पर अगर जब जाओगे ना तो भैया थकावन महसूस नहीं होने वाली इसके अंदर,
यहाँ पे आपको जो है ट्रैक्शन ऑफ कवर अंदर रखा है, ESP इसके अंदर मिल जाता है। और भी चीज़ें मिलती हैं वो आपको मैं बता दूंगा, हील रोड ये सब मिलता है वो भी आपको मैं सेपरेटली बता दूंगा आगे। हेडलाइट लेवलर यहाँ पर आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिश, डार्क यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिशिंग दे रखी है, सैटिन सिल्वर जो है यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ देखें तो भाई ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको नहीं मिलते हैं। इसे करते हैं बंद और यहाँ पे आप इंटीरियर देख सकते हैं, इंटीरियर काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अगर ये सिल्वर फिनिशिंग यहाँ भी हो जाती ना और पीछे भी, तो और भी जो है निखर के आता। बाकी ये आपको जो है यहाँ पे 8 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। अभी खोल के दिखा देता हूँ ना, पहले इसे क्लियर करते हैं फिर इसको क्लियर करेंगे। तो भैया पहले से जो है खोल देते हैं, ठीक ये खुल गई है। तो भैया यहाँ आपको जो है पहले स्टेयरिंग से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे आपको स्टेयरिंग व्हील ये मिलता है जो कि कुछ ये रहने वाला है, आपको छोटा स्टेयरिंग व्हील मिलता है जिसकी वजह से ऑल ओवर काफ़ी जो है बढ़िया लुक आ रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको स्टेयरिंग मॉडल कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको जो है सैटिन सिल्वर दे रखा है, यहाँ पर आपको जो है MID कंट्रोल्स। एडजस्टमेंट की बात करें तो भाई टिल्ट मिल रहा है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता, और काफ़ी जो अच्छी तरीके से ये मूव कर रहा है, ऐसा नहीं कि अड़के चल रहा है, काफ़ी बढ़िया है। बाकी ये आपको खास चीज़ मिलती है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप CNG वेरिएंट ले रहे हो तो आपको जो है दूसरा कोई क्लस्टर मिल जाएगा एक बेसिक सा, भाई फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है इसके अंदर, जो कि आप खुद ही देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मतलब CNG के अंदर भी ना अच्छी तरीके से इस क्लस्टर को दिया है, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कटिंग करी गई, आप खुद ही देख लो भाई। यहाँ पे CNG ये लिखा हुआ रहा है, पेट्रोल ये लिखा हुआ रहा है, यहाँ पे RPM मीटर, यहाँ पे स्पीड मीटर, बीच में MID, ये देखते हैं भाई इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मिलता है। हाँ भाई मिलता है, तो यहाँ भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है, CNG कुछ इस तरीके से लिखा आ रहा है। मतलब यार वाकई में ना यार हुंडई ने यहाँ मेरा भी दिल जीत लिया। आप यार इस क्लस्टर को देखिए, हमने अधिकतर देखा कि अगर आप कोई भी CNG गाड़ी लेते हैं ना तो कॉस्ट कटिंग बहुत मिलती है, बट इस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्लस्टर में कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है, फुली डिजिटल मिल रहा है, जो कि एक प्रीमियमनेस इस गाड़ी का बढ़ा रहा है। आप खुद ही देखो भाई ये क्लस्टर इस गाड़ी में कितना बड़ा लग रहा है। तो भाई ये चीज़ ना थम्सअप है भाई हुंडई को। हाँ हाँ भाई, भाई बंद हो जा भाई, मेरे साथ ये गलत होता है, ठीक है इसे करते हैं अब यहाँ पे ख़त्म। यहाँ आते हैं, 8 इंच का डिस्प्ले मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में आता है, 4 स्पीकर के साथ में आता है ये। यहाँ पे आपको सैटिन सिल्वर, यहाँ पे आपको सैटिन सिल्वर, और ये इसका मैकेनिज्म भी काफ़ी अच्छा था, प्लास्टिक क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया मिल रही है। हेडलाइट का बटन, ऑटोमेटिक AC भी आपको मिल जाता है जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर आपको जो है टाइप सी पोर्ट, USB पोर्ट, और भाई USB पोर्ट आपको यहाँ मिलता है, 12 वाट का आउटपुट आपको यहाँ मिलता है। स्पेस आपको यहाँ दे रखी है, टॉप मॉडल में आपको ये वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो तो भैया ये आपको जो है कुछ कैमरा इसका ये मिलता है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की तो भैया 8,97,000 की आपको जो है एक्सशोरूम मिलती है। बाकी अगर आप इसका पेट्रोल वेरियंट लेते हैं तो वो आपको 8 लाख रुपये का जो है एक्सशोरूम मिल जाता है। बाकी मैं हूँ फिलहाल समुद्र हुंडई मेरठ के अंदर, तो भाई बेस्ट प्राइस के लिए जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जो नंबर मिल जाएगा। ऑन रोड प्राइस मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि हर स्टेट में थोड़ा सा टैक्स अलग होता है, तो प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो भाई एक्सशोरूम मैंने आपको बता दिया, ऑन रोड के लिए आप जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दो कप होल्डिंग स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे आपको जो है हैंड ब्रेक, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको जो है ये रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। बाकी आपको जो है फायर एक्सटिंग्विशर भी मिल जाता है जो कि कोर ड्राइवर साइड की सीट के नीचे रहने वाला है, जो कि ये तो भाई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भाई काफ़ी जो है सही चीज़ मिल जाती है इसके अंदर। और ग्लव बॉक्स आपको जो है डिसेबल को मिलता है, और ये स्पेस काफ़ी बढ़िया मिलती है। कोर ड्राइवर साइड पर कोई बैठा होगा ना तो अपना फ़ोन या कुछ भी अपना सामान रख सकता है। यहाँ पर आपको जो है वही टाइप एंड डिज़ाइन मिल रहा है। कोडा 70 मिनट की बात करें आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको माइक दे रखा, और ये मिलती है सनरूफ CNG वेरिएंट के अंदर, जो कि भाई इसका तो बोलबाला अलग है। आज मैं रिपोर्ट देख रहा था भाई, अब जो है गाड़ी के अंदर ना भाई ये चीज़ अब मैंडेटरी हो रही है, अगर कोई गाड़ी नई लॉन्च हो रही है ना तो भैया सनरूफ तो देनी ही देनी है, चाहे वो कोई सी भी सेगमेंट की गाड़ी हो। अब ये देख सकते हैं आप सनरूफ, इसे क्या खोल के दिखाना है। यहाँ पर आपको जो लैंप दिए गए जो कि दो मिलते हैं, पंच के अंदर एक छोटा सा मिलता है बट इसके अंदर काफ़ी बढ़िया दे रखा है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो टिकट होल्डर मिल जाता है, बाकी IRVM आपको जो डेनेट दिया गया है। डैशबोर्ड डुअल टोन के अंदर मिल रहा है, काफ़ी अच्छा खासा आपको डैशबोर्ड मिल रहा है, और काफ़ी अच्छी खासी जो है इसके अंदर चीज़ें मिल जाती है। अब जो है इस गाड़ी के भाई वारंटी की बात कर लेता हूँ,
तो भाई वारंटी इस गाड़ी के अंदर मिलती है 3 साल, अनलिमिटेड किलोमीटर की आपको जो वारंटी मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। बाकी सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो भाई 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट आपको मिल जाता है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो भाई अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स भी आपको जो मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स तो मैंने आपको जो बताई दिए। बाकी हेडरूम आप यहाँ पे देखो तो काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। तो भाई ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में। अब जो इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इंजन आपको जो ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर, आपको जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि सीएनजी के अंदर आपको जो है 68 बीएचपी की पावर प्रोड्यूस करता है और 95 एनएम का टॉर्क। 4 सिलेंडर इंजन है, कापा सीरीज का इंजन आता है। 1.2 लीटर इंजन आपको मिल जाता है। बेस्ट पार्ट क्या है, ये 4 सिलेंडर इंजन है। इस सेगमेंट में जो और गाड़ियाँ आती हैं उसके अंदर आपको 3 सिलेंडर मिलता है, इस गाड़ी के अंदर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी रिफाइंड इंजन आपको मिलता है। और कंपनी को भी पता था कि भाई काफ़ी रिफाइंड इंजन है, क्योंकि आपको इंसुलेशन नहीं मिलती है, तो भाई ज़रूरत भी नहीं थी इसकी, क्योंकि रिफाइंड इंजन आपको मिल जाता है, काफ़ी रिलायबल इंजन है। और ये अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बैटरी मिलती है, यहाँ पर आपको जो है ये कूलेंट दे रखा है। बाकी माइलेज की बात करूँ तो भाई कंपनी इसमें जो 27 का माइलेज क्लेम करती है, और बाकी डिपेंड करता है कि आप जो किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। सिटी के अंदर ऑल ओवर आपको जो है 16 से 17 मिल जाएगा, और हाईवे आपको जो आराम से 26-27 मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। सीएनजी है तो भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, माइलेज आपको जो है काफ़ी अच्छा खासा मिल ही जाएगा। बाकी एबीएस यूनिट आपको यहाँ मिलती है, बैटरी आपको यहाँ मिलती है, 4 सिलेंडर इंजन आपको पता है। तो भाई सीएनजी के अंदर आपको जो है कोई पावर लैग महसूस भी नहीं होने वाला, क्योंकि 4 सिलेंडर आपको मिल जाता है, E20 कंबाइंड इंजन है। तो ये थी आपकी ओनली हुंडई एक्स्टर SX CNG वेरिएंट। कमेंट करना जरूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।